संक्षेप में परिचय दीजिए। जी, मुझे मुफ्ती मोहम्मद असद कासमी कहते हैं और मैं यहाँ कोपागंज का बाशिंदा हूँ। और ये मदरसा संस्था, ये देख रहे हैं, ये मैं इसका प्रबंधक भी हूँ। और ये जो है आज गणतंत्र दिवस के मौके से आज प्रोग्राम था, 26 जनवरी यौम जमहूरिया, यहाँ बच्चों का प्रोग्राम था और बड़े लोग भी थे, मौलाना फरोज आलम कासमी भी थे और इलाहाबाद से भी आए थे मेहमान। ये सारे लोगों ने जो है अपना अपना ख्याल पेश किया कि आज का दिन, आज यौम जमहूरिया क्यों कहते हैं, क्योंकि आज का दिन खुशी का भी है लेकिन बड़ी गमी का भी दिन है। हमारे बड़े 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 लोगों ने आज के दिन उनका खून बहा है। हजारों हजार मौलाना, मुल्ला, पंडित, हिंदू मुस्लिम सारे लोगों का बहुत जलियान वाला बाग कहिए या खैबर से लेकर के लाहौर तक का ये समा समंदर सब लाल लाल था। ये कितनी मेहनतों और हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियों की वजह से, उनकी मेहनतों के बाद अब ये हम यौम जमहूरिया मनाए हैं। असल ये है कि उनको भगाने के लिए, जो मुल्क पे काबिज थे उनको भगाने के लिए ये हमारे बुज़ुर्गों ने जो है, बुज़ुर्गों से मतलब ये नहीं कि मुसलमान, सारे हमारे बुज़ुर्ग जो जितने बुज़ुर्ग गुजरे, महात्मा गांधी हैं, चंद्र बोस हैं और सुभाष चंद्र बोस हैं, नेताजी हैं, फला हैं, हाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उनसे पहले हैं, उनके बाद भी, तो लोग जितने ये सब थे, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना अशफाकुल्ला खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वीर अब्दुल हमीद, ऐसे ऐसे कितने हज़ार लोगों के जो है जाने गई हैं इस दिन के लिए, तब हम ये खुशी मना रहे हैं। हमको तो आसानी से ये खुशी का दिन मिल गया है, उन लोगों ने हमें दिया है, अपनी जान को कुर्बान करने के बाद हमें मुल्क को खुशहाल दिया है, तब ये आज हम खुश हैं इस मुल्क में, वरना तो हमारी खैरियत नहीं थी। हम जितने भी थे अंग्रेज़ों के गुलामी में जकड़े हुए थे, हमें जब चाहे मार दिया जाता था, सता दिया जाता था। मेरे दोस्तों, तो इसे यही है कि आज का दिन हम अपने बच्चों को कहते हैं, इन बुज़ुर्गों की कुर्बानियों को याद करो और इनकी हिस्ट्री को पढ़ो और याद करो। टीचरों को भी कहा कि इनको पढ़ाओ और याद कराओ, कहीं हिस्ट्री जो है हिस्ट्री में न जानते जानते कुल ख़त्म ना हो जाए। इसलिए इन चीज़ों को अपने स्कूलों में, कॉलेजों में, मदरसों में बच्चों को बताना और पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और ये हमारा बड़ा कीमती सरमाया है, अगर हम ये भूल गए तो हमने समझ लिया हमने पूरा घर गंवा लिया। हमारा घर ये बना है, किसने बनाया है, कैसा खूबसूरत है, हम कुछ नहीं जानते, सिर्फ बगड़ा रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, इससे क्या मतलब। उसको पता लगाना होगा कि किसने बनाया है, कैसे बनाया है, कितनी मुद्दत में बनाया है, कितनी कीमत लगी है, कितना सरमाया लगा, तो उसकी अहमियत होगी। अब हमारे बुज़ुर्गों ने इस मुल्क को जो है इतना कीमती बनाया, इतना जो है आज 70-75 साल हो गया इसको आज़ाद हुए, हम लोग अमन सुकून से रह रहे हैं। और मज़ीद हमारे जो राजा या हमारे वज़ीर आज़म जो भी हैं, सब मुल्क की तरक्की के लिए ही काम कर रहे हैं। कोई भी नहीं चाहता कि मुल्क तबाह और बर्बाद हो, हर कोई यही चाहता है कि मुल्क आबाद हो और मुल्क बेहतरीन भारत बन जाए, नया भारत बन जाए, नया हिंदुस्तान बन जाए। हम भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, और हमारे सदर और वज़ीर आज़म और नेता जितने इस तरह के, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वाही तबाही और उल्टी पल्टी बातें करते हैं, वरना सच्ची बात तो यही है कि हर मुल्क का मालिक वो चाहता है कि मेरा मुल्क अच्छा रहे, मेरे मुल्क के लोग अच्छे रहें, मेरे मुल्क के लोग पढ़े लिखे रहें, वो कोई भी मजहब के धर्म के हों, वो सबके लिए इंतज़ाम करता है, सबके लिए जो है तालीम का इंतज़ाम करता है, पढ़ाई का इंतज़ाम करता है, उनके मकानों का इंतज़ाम करता है, रहने सहने का, चलने के लिए रास्तों का इंतज़ाम सब वो कर रहे हैं। तो ये सब कुछ जो है आज के दिन में ये सब बताया जाता है, मैं तो यही जानता हूँ और मैंने यही सब बताया है। ये तो मुख्तसर है, लेकिन मैंने तकरीबन आधा घंटा तक जो है अपने दिल की जोश और खरोश के साथ आज लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं गणतंत्र दिवस पे? गणतंत्र दिवस पे यही कि हम सब लोग को मिल करके मोहब्बत के साथ रहना है और उन बुज़ुर्गों की कुर्बानियों को याद करना है, और किसी को सताना नहीं है, किसी के साथ जुल्म नहीं करना है, हर एक मोहब्बत से रहे। इसलिए कि आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का ये त्यौहार